नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका सिंघानिया, डायरेक्टर मेकओवर सिंघानिया स्किन एंड हेयर क्लिनिक रायपुर। आज आपको इस वीडियो में पीआरपी थेरेपी फॉर हेयर लॉस के बारे में बताऊंगी। पीआरपी थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक नोवेल अप्रोच है जो सिर्फ हेयर लॉस में ही हेल्प नहीं करती है, बाकी दूसरी जो मेडिकल समस्याएं होती है जैसे वुंड हीलिंग वगैरह में भी पीआरपी थेरेपी बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल होती है। तो पीआरपी थेरेपी होती क्या है और बालों की ग्रोथ में कैसे मदद करती है, आज हम ये जानते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है, इसमें हम करते क्या है और ये किन पेशेंट्स में एडवाइजेबल होती है। पीआरपी थेरेपी हम मेल पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनमें गंजेपन की समस्या या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। मिडिल एजेड फीमेल्स में जब हेयर लॉस की समस्या होती है तो उनमें भी पीआरपी थेरेपी एडवाइजेबल होती है। उसी तरीके से एलोपेशिया एरिएटा और सिकेटेरियल एलोपेशिया जो होता है उसमें भी पीआरपी थेरेपी एडवाइजेबल होती है। पीआरपी थेरेपी में एग्जैक्टली डॉक्टर करते क्या है, तो पीआरपी थेरेपी एक सेशन होता है जो क्लिनिक में ही किया जाता है। इसमें अमूनन एक घंटे का समय लगता है। मल्टीपल सेशंस जो है वो एडवाइजेबल होते हैं। मिनिमम 4 to 6 सेशन एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 वीक्स एडवाइजेबल होते हैं पेशेंट्स के अंदर। एक सेशन में एक घंटे का समय लगता है। इसमें हम पेशेंट का 10 ml के अराउंड ब्लड ड्रॉ करते हैं और उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको सेपरेट करते हैं। उसके लिए हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने से वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। नीचे की लेयर जो होती है उसमें RBCs रहते हैं, उसकी बीच वाली लेयर होती है जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं और उसको फिर इंसुलिन की सीरिंज से अलग अलग पॉइंट में स्कैल्प के इंजेक्ट करते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा किस तरीके से बालों की ग्रोथ में मदद करता है, तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है वो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस रिलीज करता है स्कैल्प में जाके, और ये ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस जो हुए ये हेयर फॉलिकल की ग्रोथ करवाते हैं, उनका जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करते हैं। तो उसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल श्रिंक हो रहे थे, जो बाल पतले हो रहे थे और पतले होने की वजह से झड़ रहे थे और वापस नहीं आ रहे थे, वो फिर से हेयर फॉलिकल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, रीग्रो करने लग जाते हैं। बालों की जो थिकनेस है वो मेंटेन हो जाती है और बाल जो झड़ के वापस नहीं आने वाले होते हैं वो फिर से आने लग जाते हैं और हेयर वॉल्यूम जो है उसको हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। तो पीआरपी हेयर लॉस और एलोपेशिया की समस्या के लिए एक बहुत अच्छा उपचार है और इसको आप हमेशा करवा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो से जो आपको जानकारी मिली है वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल रही है, हेल्पफुल रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानने की इच्छुक है, पीआरपी करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं उसमें कॉन्टैक्ट करके हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं। धन्यवाद।